हेलो दोस्तों, द अमेजिंग फैक्ट में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करते ही आपको हमारी सारी एक्टिविटी की जानकारी नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाती है। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले। तो इस वीडियो में हम करंट अफेयर यानी अगस्त महीना का, पहला अगस्त का करंट अफेयर देखेंगे। तो पहला है इसमें, राष्ट्रपति ट्रंप ने वियतनाम सेना मेडिंग को प्रथम मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। और मिशिगन ने सैनिक चिकित्सक, इसने अपने जान को खतरे में डालकर अनेक बार अपने देश को बचाया। और ये समारोह व्हाइट हाउस में आयोजन किया गया था। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति है। सेकंड में, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजल्स 2028 और पेरिस 2024 में खेले की मेजबानी करेगा। 2028 ग्रीष्मकालीन खेलों की मेजबानी करने के लिए लॉस एंजल ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लीडर के साथ समझौता किया। और 2024 में पेरिस ओलंपिक की मेजबानी करेगा, मतलब पेरिस में 2024 को ओलंपिक खेल होगा और 2028 को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजल में होगा। आपको बता दें, 1896 में एथेंस यानी ग्रीस एथेंस की कैपिटल है, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल खेला गया था। तीसरा, राहु मनु और सुमित ने लागोस ओपन में खिताब जीते। तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सी राहुल यादव और पुरुष एकल जोड़ी मनु अत्री और बी सुमित रेड्डी को पुरुष एकल में राहुल को मिला पदक और पुरुष एकल खिताब में मनु और सुमित को पदक मिला। राहुल ने दूसरे भारतीय खिलाड़ी करण नायक को स्टेडियम ये खिताब जीता। और आपको बता दें, ये खेल नाइजीरिया में आयोजित किया गया है और नाइजीरिया का कैपिटल अबूजा है। नाइजीरिया का रुपया या करेंसी यानी नाइजीरिया एरन है इसका करेंसी। चौथा, सरकार ने भारतीय करदाताओं के साथ 9 समझौते पर हस्ताक्षर किया। CBT केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जुलाई 2017 में भारतीय करदाता के साथ 9 एक पक्षीय समझौता किया। ठीक है, तो CBDT के केंद्रीय राजस्व अधिनियम 1963 के तहत एक वैधानिक पदाधिकार है, इसका अध्यक्ष सुशील चंद्र है। पांचवा, स्वस्थता का आकलन करने के लिए स्वस्थ सर्वे 2018 का शुभारंभ किया गया। इसमें 4041 शहरों और कस्बों को सूचीबद्ध किया गया है। स्वच्छ सर्वे 2018 का तीसरा सफाई सर्वेक्षण किया। 1,00,000 से अधिक आबादी वाले 500 शहरों और राज्यों को इसमें रैंकिंग में लाया गया है। तो इसमें बता दें, आवासीय एवं शहरी मामला के मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर है। छठा है, स्विट्जरलैंड में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल का उद्घाटन किया गया। स्विट्जरलैंड में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल का उद्घाटन किया गया। चार्ल्स कुलोन स्प्लेन ब्रिज ने हाल ही में दुनिया में सबसे लंबे पर ये रिकॉर्ड बन गया। ठीक है, और स्विट्जरलैंड की मुद्रा स्विस फ्रैंक है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सातवां, दिल्ली मेट्रो विश्व की पहली ग्रीन मेट्रो घोषित किया गया। DMRC के संबंध निदेशक मंगू सिंह हैं, प्रेम सिंह जैन IGBC के अध्यक्ष हैं। और ग्रीन मेट्रो सिस्टम का राष्ट्रीय सम्मेलन 2008 में हुआ था
और दुनिया में पहली बार रेल परियोजना ये पंजीकृत किया गया। अटवा है, सिस्को ने समीर गार्ड को भारत और सार्क देशों में संचार के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगौड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जैसे अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगौड़ा। ये 62 वर्षीय कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक भारतीय अमेरिका अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। नीति आयोग से ये इस्तीफा दे दिया। फिलहाल वो अभी 1 महीने तक पद संभालेंगे। मुकेश अंबानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। 4G फीचर, हाल ही में 4G फीचर लॉन्चिंग के मामले में ये उसका संपत्ति और शेयर बढ़ने के कारण वो अमीर व्यक्ति बना रहा। रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना 1966 में महाराष्ट्र में हुआ था। आपको बता दें, सिर्फ 9 महीने में जियो का कस्टमर 117.3 मिलियन हो गया और ये भारत का चौथा सबसे बड़ा ऑपरेटर बन गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे हम वीडियो बनाते रहेंगे, इसलिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कुछ सुझाव होगा तो हमारी कमेंट बॉक्स में भी जरूर दीजिएगा, और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य व्यक्ति तक भी इनका लाभ पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द अमेजिंग फैक्ट्स वीडियो।